हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर 2। आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स, जैसे आपको नाम से पता चला होगा, ये कलेक्शन होते हैं टू और मोर कंप्यूटर्स के, ठीक है, जिनको हम क्या कनेक्ट करते हैं टूगेदर टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करा सकते हैं कंप्यूटर को ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सिंपल है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू आवर नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले अर्पानेट, जिसके फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये पहला नेटवर्क डेवलप किया था रॉबर्ट कहन ने और विंटन कार्ट ने 1969 में। तो आपको याद रखना चाहिए, एक आपका टिट्स एंड बिट्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्पानेट क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे पहला नेटवर्क डेवलप किया था और किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट काहन और विंटन कार्ट इन 1969 में। तो सबसे पहले नेटवर्किंग के हम फायदे जानेंगे कि फायदा क्या है। सबसे पहली बात फाइल शेयरिंग, आप जान सकते हैं कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा हमें ट्रांसफर करना है तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग को यूज़ करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन को कोई शेयर करना है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़र को आपस में कम्युनिकेट करना है तो भी हम नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं। लैन क्या होता है आपको ये अच्छे से, ठीक है जी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट पर, ठीक है। ये आप बोलते हैं इंटरनेट नेटवर्किंग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप दो टाइप्स से बहुत जो मेन है वो है, ठीक है। पहला आता है एक्स्ट्रानेट, एक आता है इंट्रानेट, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। जब आप इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP या IP का यूज़ करते हो कम्युनिकेशन के लिए, तो हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। तो ये मोस्टली इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रानेट एक्चुअली किसके लिए होता है, मान लीजिए एक फॉर्म में आप क्या करना चाहते हैं, आप एक फॉर्म में कनेक्टेड हैं, तो यदि आप उस फॉर्म में किसी से आप बात करना चाहते हैं या किसी बाहर वाले बंदे से आप बात करना चाहते हैं, तो आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते उसकी लोकेशन इसी चीज़ को जब तक कि आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रानेट का मतलब हो गया कि ये वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है जब तक यूज़र के पास क्या है, जिनके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तभी आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आप उसके कंप्यूटर को एक्सेस भी नहीं कर सकते। इंटरनेट किस पे काम करता है, प्राइवेट नेटवर्क पे। TCP और IP किस पे काम करता है, प्राइवेट नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज या मेंबर्स के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। समझ आ गया, दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको एक बार, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए कि आपकी फॉर्म है, ठीक है, और आपको फॉर्म के अंदर ही काम करना है, आपको फॉर्म के अंदर आपको किसी चीज़ को एक्सेस करवाना है किसी को, कोई आपको बाहर कोई बंदा आ रहा है, वो तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसको क्या होंगे, आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की अवेलेबल नहीं होगी। तो ये होता है इंटरनेट। एक्सटरनेट क्या होता है, जब आप बाहर की कोई चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको जो आप अगर कंपनी के कोई एम्प्लॉय हो और क्या है उन्होंने आपको एक्सेस लगा रखा है कि सिर्फ आप इतनी ही चीज़ें ओपन कर सकते हो, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के तीसरे चैप्टर में।